करीना गो से एग्जांपल 2 एक्सरसाइज 3a, 3a में एग्जांपल नंबर 2 ओपन करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। राखी इन्वेस्टेड 12,500 रुपीस इन अ शेयर्स ऑफ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड पर एनम इफ सी बॉट 50 रुपीस शेयर्स फॉर 62.50 ईच, फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ओके, फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले देखिए हमें पॉइंट क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट गिवन क्या है क्वेश्चन में, राखी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड मतलब कि 12,500, तो इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट 12,500 रुपीज। ओके, इन अ शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड, आपको बताया था जब भी कोई परसेंटेज होती है हमेशा वो डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू 6%, कहीं भी किस परसेंटेज हमेशा डिविडेंड में लिखते हैं। नेक्स्ट, इफ सी बॉट 50 रुपीज शेयर्स फॉर 62.50 रुपीज ईच, बॉट 50 रुपीज शेयर्स, बताया था हमने जब शेयर से पहले कोई रुपीज हो तो क्या होता है वो फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू है 50 रुपीज एंड शेयर्स वाला लिखा है फॉर 62.50 ईच, तो क्या दिया गया हमें, ये मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू 62.50 रुपीज। नहीं, हमेशा पहले वाला हमेशा फेस वैल्यू होती है, दूसरी हमेशा मार्केट वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट में लिखा हुआ है, प्रीमियम में नहीं है, अगर डिस्काउंट प्रीमियम होता तो हम कुछ करते फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, बट यहाँ पर ओनली कुछ डायरेक्ट दे गई है आपकी 62.50 मार्केट वैल्यू है। फाइंड करनी है, फाइंड हर इनकम, इनकम फाइंड करना है आपको, इनकम। ओके, और इनकम का फॉर्मूला बताइए, आपको सेकंड फॉर्मूला बताया हुआ, इनकम इक्वल टू, इनकम इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू अपॉन 100, बट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रही हूं, तो नंबर ऑफ शेयर्स की फॉर्मूला बताया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला बताया था, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने 12,500 और मार्केट वैल्यू 62.50, सो कैलकुलेट करिए 0.2200 12,500 अपॉन 625। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स बिकम्स 200, नंबर ऑफ शेयर्स बिकम्स 200, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 200, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, वर्क आउट कर दीजिए 200 इंटू डिविडेंड परसेंट है 6, फेस वैल्यू है 50 रुपीज अपॉन 100, 20 कैंसिल 2 इंटू 6 इंटू 50, तो ये सर 600 रुपीज। ओके, क्लियर हो गया, तो एक इन्वेस्टमेंट गिवन थी, डिविडेंड है, फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, आपसे इनकम फाइंड करना था, इनकम इक्वल टू, वी नो दैट इनकम इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू अपॉन 100, बट नंबर ऑफ शेयर्स नॉट गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो टोटल इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू देन लेट टू सॉल्व, तो नंबर ऑफ शेयर्स बिकम्स 200, देन नंबर ऑफ शेयर्स 200 डिविडेंड 6 इनटू फेस वैल्यू अपॉन 100 देन सॉल्व 600 रुपीस, नोट कर लीजिए। सही ना,
एग्जांपल थ्री एक्सरसाइज थ्री ए, क्वेश्चन पढ़िए। रमेश बाई 100 रुपीज शेयर्स एट ए प्रीमियम 20 रुपीज इन अ कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स, एनुअल इनकम एंड परसेंटेज इनकम। आपको 3 पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या बोले थे, जो गिवन वो लिखो, गिवन रमेश भाई 1200 रुपीज 1200 शेयर्स एट अ 20 रुपीज प्रीमियम। इसका मतलब क्या क्या दिया गया हमें, 100 रुपीज शेयर्स। बताया था हमने शेयर से पहले कोई भी अगर रुपीज लिखा होता है हमेशा वो फेस वैल्यू होती है, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज। उसके बाद लिखा हुआ है प्रीमियम 20 रुपीज। आपको बताया था हमने जब भी कहीं प्रीमियम लिखा होता है वो आपकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है, तो पहले हम मार्केट वैल्यू निकालें। कैसे फाइंड करते हैं बताया, फिर बताया था हमने फेस वैल्यू मीन्स अगर प्रीमियम ऐड कर दो आप तो फेस वैल्यू 100 और प्रीमियम है 20 तो मार्केट वैल्यू 120 रुपीज। बट इट कहीं प्रीमियम मतलब होता है इंक्रीज करना, जब भी कहीं प्रीमियम लिखा हो मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फेस वैल्यू में से प्रीमियम को ऐड कर देते हैं। ओके देखिए मैंने 15% तो बताया जो परसेंटेज एक्सप्रेस या डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू 15% इक्वल टू 15% तो फर्स्ट पार्ट फाइंड करनी है हमें, फाइंड दी मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स। तो मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू गिवन है 600 एन इक्वल टू 600 एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड दी मार्केट वैल्यू। और आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, तो मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, मार्केट वैल्यू फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स। तो आपने ये जो मार्केट वैल्यू फाइंड की है ये मार्केट वैल्यू आपकी 1 शेयर्स की है, 1 शेयर्स की मार्केट वैल्यू 120 है, तो 600 शेयर्स की मार्केट वैल्यू 600 into 120 तो मार्केट वैल्यू 1 शेयर्स की है, तो 600 शेयर्स की 72,000 दिस इज नंबर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द 600 शेयर्स। देन सेकंड पॉइंट फाइंड द हिज इनकम फाइंड करनी है इनकम। तो आपको फॉर्मूला बताया इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू अपॉन 100। डिविडेंड परसेंट के साथ हमेशा फेस वैल्यू होती है, क्योंकि बता चुके थे हम डिविडेंड इज डिपेंड अपॉन द फेस वैल्यू, इसलिए यहां लिखिएगा डिविडेंड के साथ हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है। सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स से 600, डिविडेंड 15%, फेस वैल्यू गिवन है 100 अपॉन 100 कैंसिल आउट तो 9000 इनकम। थर्ड पॉइंट है फाइंड द परसेंटेज इनकम। तो आपने लास्ट वाला बताया होगा डिविडेंड इनटू जहां डिविडेंड होगा वहां पर फेस वैल्यू होगी इक्वल टू इनकम परसेंट या फिर इंटरेस्ट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, कुछ भी यहां लिखा हो, प्रॉफिट परसेंट, इनकम परसेंट, इंटरेस्ट परसेंट, कुछ भी लिखा हुआ है, पूछा गया यहां से आपसे परसेंटेज इनकम इनटू मार्केट वैल्यू। ओके डिविडेंड साथ होगा फेस वैल्यू, डिविडेंड टू फेस वैल्यू, इनकम इनटू मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड गिवन है 15, फेस वैल्यू गिवन है 100, इनकम गिवन है, इनकम परसेंट फाइंड आउट करनी है हमें, और मार्केट वैल्यू गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन था मार्केट वैल्यू फाइंड किया था 120।
तो 15 अपॉन 100 अपॉन 120 इक्वल टू एक्स है, आंसर होगा 12.5%। इनकम बस आपको वही जो थ्री फॉर्मूले यूज करने हैं, पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला, दूसरा इनकम का फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला को ये यूज करना है।